नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। खबर रायपुर से है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान की बैठक खत्म हो गई है। प्रदेश कार्यालय में कुशभाव ठाकरे परिसर में बैठक चल रही थी, करीब 3 घंटे तक बैठक चली है। बैठक में सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही धारा 370 हटाने को लेकर प्रधानमंत्री के नाम धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में अभियान में आपको बता दें तेजी से मंथन किया गया है। बैठक खत्म होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि सदस्यता अभियान का प्रभारियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो लक्ष्य हमने रखा है उस लक्ष्य के करीब करीब पहुंच चुके हैं। 10 दिन का और समय बढ़ाया है, यानी कि 20 तारीख तक सदस्यता अभियान चलेगा। दोनों के लिए समय है, 20 तारीख तक हम और पूरा करेंगे। अभियान का पूरे जिलों में अलग अलग जिले के प्रभारियों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और एक संतोषजनक बात थी कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था या पार्टी ने निर्धारित किया था उस लक्ष्य के करीब करीब नजदीक पहुंच चुके हैं और 10 दिन का और समय हमारे पास है, यानी 20 तारीख तक ऑनलाइन और ऑफलाइन जो डायरेक्ट सदस्यता पेपर से बनाना है और जो मोबाइल से मिस कॉल से बनाना है, दोनों के लिए समय है। तो 20 तारीख तक हम और पूरा करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान के लिए जोर शोर से जुटी भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई है और इसी के चलते अब तारीख 10 दिन और बढ़ा दी गई है। पहले 11 अगस्त का समय था जिसे बढ़ाकर 20 अगस्त कर दिया गया है। प्रदेश सदस्यता अभियान प्रभारी संतोष पांडे ने सदस्यता अभियान को लेकर कहा है कि सदस्यता अभियान का जो लक्ष्य है वो सबके सामने है। उन्होंने कहा है कि समय बढ़ाया गया है, 20 तारीख तक सदस्यता अभियान चलेगा। उन्होंने कहा कि सांसद लोकसभा सत्र के चलते दिल्ली में थे, वो आ गए हैं, वो सदस्यता के लिए जुटेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। अभी तक जो सदस्यता हुई है इस पर चर्चा भी की जाएगी। पिछड़े क्षेत्र बस्तर सरगुजा या जहां से कमी कमजोरी रही है उन क्षेत्रों में एक बार और अवसर दिया है पार्टी ने, तो उसमें और सब प्रयास करेंगे और सदस्यता के लिए एक बार ऐसा भी कहे कि बीच में सांसदगण भी दिल्ली में बिजनेस में और बड़े बड़े देश के लिए बिल जो पास हुए हैं, राष्ट्र के हित में जो हुए हैं, उसमें भी वे संलग्न रहे। अब सभी उसमें जुटेंगे और लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। धारा 370 पर बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीएम बघेल पर निशाना साधा है। रमन सिंह ने कहा है कि धारा 370 इस देश की अस्मिता और गौरव को कम कर रही थी, इसके हटने से देश को एक करने का काम हुआ है। भूपेश भले ही इससे असहमत हो लेकिन प्रदेश के बाकी लोग नहीं हैं। आपको बता दें सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि ये फैसला लेने से पहले विपक्ष को विश्वास में लेना था। धारा 370 इस देश की अस्मिता, इस देश की गौरव, इस देश के सम्मान के साथ बढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार प्राप्त है, अब आप दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, क्या इस देश में दो संविधान चलेगा? क्या इस देश में दो झंडा रहेगा? क्या इस देश में दो प्रधान रहेगा? इस प्रकार के इस देश को एकात्मता के सूत्र में बांधने का, एक देश है तो एक निशान, एक प्रधान, एक विधान रहेगा, इस बात को देश का बच्चा बच्चा चाहता। खबर रायपुर से जहां पर एक्सप्रेस वे के दर्शक ने और दरार पड़ने के कारण हो रही दुर्घटना की खबर सुराज एक्सप्रेस ने प्रमुखता से दिखाई है, जिसके बाद ठेकेदार ने रातों रात धसकी सड़क और दरार में लीपापोती करा दी है, लेकिन रात में हुई बारिश ने सारी असलियत की पोल खोलकर सामने रख दी। मंत्री विधायक जांच की बात कह रहे हैं लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उद्घाटन के पहले ही जगह जगह से धसक रहे नवनिर्मित एक्सप्रेस वे के निर्माण में 200 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए, लेकिन जनता के हाथ कुछ नहीं लगा, बल्कि यहाँ से गुजरने में भी जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पार कर रहे हैं। करोड़ों के लागत में बने एक्सप्रेसवे में हुए भ्रष्टाचार का पोल बारिश ने खोल दी है। बीते रात हुए और एक्सीडेंट के बाद यहाँ पे सीजीआरडीसी के कर्मचारी किस तरह से इसमें लिपापोती किए हैं, इसका हम आपको नजारा दिखाते हैं। जिस तरह से लिपाई पुताई हुए है ये देख सकते हैं कि ये पैर से ही ऐसे निकल रहे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि सीमेंट का घोल डालकर ये दरार को छिपाने की कोशिश की गई है, जो नॉर्मली ये हाथ से भी ऐसा करने से निकल जा रहा है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे भ्रष्टाचार किया गया, लेकिन इसको छुपाने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। यहाँ तक के जो लिपापोती हुआ है उसमें आप दरार साफ तौर से देख सकते हैं कि जो ऊपर में आनन फानन में जो किया गया इसका दरार ये पूर्ण रूप से दिख रहा है। और यहाँ पे जो जो लिपाई पुताई हुई है उसके हम आगे का दृश्य भी दिखाते हैं कि यहीं पे बीते रात घटना हुई थी जिसमें गाड़ी पलटने से ये चार पांच लोग चोटिल हुए थे। बावजूद प्रशासन ने इस तरह से यहाँ पे कार्रवाई की है। हम आपको और दिखाते कि यहाँ पे जहाँ पे लिपापोती हुई उसके सामने ये इतनी आज फिर से दरारें आ गई है। अब देखना होगा कि इस तरह से जो दरार पे दरार आ रही है, बारिश होने पे जो पोल खुलते जा रही है, इस पर जो जो प्रदेश सरकार है किस तरह से कार्रवाई करती है या इसको फाइल बनाकर फिर जांच के नाम पर जनता को गुमराह करती है। कैमरामैन श्याम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। वहीं रायपुर में एक्सप्रेस वे के धसकने और दरार पड़ने से बाद हो रहे दुर्घटना के बाद जागेश शासन प्रशासन पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सवाल खड़ा कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता स्वाति दिनेश का कहना है कि प्रशासन के लोग घटना दुर्घटना होने के बाद आते हैं और बयानबाजी कर जांच कराने की बात कहकर चले जाते हैं, लेकिन एक्सप्रेस वे बनते वक्त तमाम तरह का विरोध किया गया था। गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य का वीडियो बनाकर हर अधिकारी मंत्री विधायक को भेजा गया था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आज इसका परिणाम दिखाई दे रहा है कि हमारे समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वाति दिनेश ने आगे कहा है कि शासन प्रशासन के पास उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियर होने के बावजूद इस तरह का गुणवत्ता विहीन यहां पर निर्माण कार्य का होना कहीं ना कहीं कमीशनखोरी भ्रष्टाचार का नतीजा ही है। मैं पिछले 15 मार्च को इसी चीज का बनते हुए वीडियो दिखा दिया था कि इसमें गुणवत्ता में कमी हो रही है, जिसको हर किसी को मैंने व्हाट्सएप किया, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारीगण हो, चाहे इस डिपार्टमेंट के अनिल राय सर, उनको भी मैंने उस वीडियो को व्हाट्सएप किया था, पर आज तक कोई उस मौके पे मुआयना करने नहीं आया। आज जब यहाँ गुणवत्ता विहीन का के कारण जो दुर्घटना हो रही है, उस दुर्घटना के बाद शासन प्रशासन जाग रही है और सब पहुंच रहे हैं। यदि ये चीज पहले कर दिया गया होता तो आज शायद किसी की जान बच जाती। वहीं रायपुर में उद्घाटन से पहले ही नवनिर्मित एक्सप्रेस वे में दरारें आ गई हैं। इसकी वजह से दो दिन पहले एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ये मामला अधिकारियों के संज्ञान में आते ही आनंद फानन में उस समय से ठीक किया गया था। इधर उद्घाटन से पहले ही एक्सप्रेस वे में आई दरार को लेकर जांच टीम का गठन कर दिया गया है। ये कमेटी जल्द ही जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इधर इस मामले में बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी ने भी ये हामी भरी है कि इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ठेकेदारों या अधिकारी उन सब के ऊपर जांच हो और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो। बड़ी जांच होना चाहिए, ठेकेदार हो चाहे अधिकारी, उन सबके ऊपर में जांच होके और बड़ी कार्रवाई होना चाहिए ताकि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो। गुणवत्ता सड़क में रखना यह हमारी प्राथमिकता है और नितिन गडकरी जी ने भी इस बात को कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्ता को मेंटेन करके ही काम किया जाए और अगर कोई लापरवाही करता है तो उस पर कड़ी जांच होना, जांच के साथ में कड़ी कार्रवाई भी होना। और अब छत्तीसगढ़ सरकार लोगों को गर्म खाना फ्री में खिलाएगी ताकि कुपोषण से मुक्ति मिल सके। सरकार गरीब बच्चों को सरकारी स्कूल में अंडा भी बांटने जा रही है ताकि इस लड़ाई में और मदद मिल सके। इसे लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। छत्तीसगढ़ सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने जा रही है और ये महत्वाकांक्षी योजना कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ है। आकांक्षी जिले हैं जो केंद्र सरकार ने घोषित किए हैं, वहां पर एक खास प्रोग्राम लेकर के आ रही है जिसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी हैं। अमरजीत जी, क्या ये योजना है, किस तरीके से चलेगी? यदि अभी राष्ट्रीय स्तर पे एक सर्वे रिपोर्ट आया है, उसमें छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों को चिन्हित किया गया है जहां पर कुपोषण के लोग शिकार हैं और उनका जो स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया है, सिविल स्टैंडर्ड का उनका रिपोर्ट आया है, उसमें बहुत सारे जिले हैं, उसमें बस्तर के कुछ जिले हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के भी जिले हैं, तो नांदगांव वगैरह इसमें आ रहे हैं। तो उन जिलों के लिए एक पायलट प्रोग्राम बना करके वहां पर कुपोषण से कैसे लड़ा जाए उसके लिए एक तैयारी किया गया है। उसमें गर्भवती महिलाओं को और जो बच्चे हैं उनको
गर्म भोजन देने का व्यवस्था किया जा रहा है। साथ में आपने और देखा होगा कि स्कूलों में जो मिड डे मील दिया जा रहा है उसमें भी अंडा वगैरह देने का व्यवस्था किया गया है। तो इससे निश्चित तौर पे जो कुपोषण का समस्या है उससे निपटने में हमको सहूलियत होगा। अभी आप दिल्ली गए थे, जो केंद्रीय मंत्री हैं उन लोगों से मुलाकात हुई, क्या कुछ खास छत्तीसगढ़ के लिए लेकर के आए हैं? छत्तीसगढ़ के विकास के लिए यहाँ की जो हमारे परिकल्पना है, जो इसके कार्यक्रम बने हैं उसके अनुसार सभी विभागों से संबंधित हमारा मांग था। सबसे बड़ा था कि नागरिक आपूर्ति निगम और खाद्य विभाग से संबंधित, उसमें धान का खरीदी और नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा चावल तैयार करके और उसको सेंट्रल पूल में और स्टेट पूल में दिया जाता है। उसके बीच में जो सब्सिडी हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है वो 2003 से अभी तक हमारा एक क्लियर नहीं हुआ है। केवल एक लमसम राशि दिया गया है जिससे लोगों का भुगतान करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, तो उसको बना करके हम लोगों ने अपना लेनदारी के लिए दावा पेश किया है। उम्मीद है कि जल्दी निपटारा उसका हो जाएगा। तो ये थे राज्य मंत्री अमरजीत भगत जो बता रहे थे कि 2 अक्टूबर से खासतौर से कांक्षी जिलों के लिए जो राज्य सरकार की योजना है वो कुपोषण और एनीमिया से लड़ने में कारगर साबित होगी। कैमरामैन अखिलेश के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता। वहीं छत्तीसगढ़ की विकास दर घटने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है छत्तीसगढ़ देश के अन्य राज्यों से पीछे चला गया है, इसका मतलब है कि ग्रोथ गिर गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह पावर सेक्टर की छूट को खत्म करना रहा है। विकास दर का कम ये दिखाता है कि सरकार को विकास की चिंता नहीं है। हम छत्तीसगढ़ देश के सभी राज्यों में नीचे से दूसरे और तीसरे स्थान में आ गए हैं। इसका मतलब है ग्रोथ गिरा हुआ है। सबसे बड़ा इफेक्ट होता है जब पावर के सेक्टर में हमने छूट दी थी बिजली में, इंडस्ट्री को जीवित रखने के लिए उनके पर यूनिट कॉस्ट में हमने बेनिफिट दिया था, उसको समाप्त कर दिया। 30% प्रोडक्शन स्टील सेक्टर में कम हो गया, अन्य क्षेत्रों में इसका इफेक्ट। और खबर है बिलासपुर से, जहां पर जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने अरपा भैसा झार परियोजना का जायजा लिया है। निरीक्षण करने के बाद रविंद्र चौबे ने मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा है कि परियोजना में किसी भी प्रकार की खामी नहीं है। साथ ही कहा है नरवा घुरवा गरुआ बाड़ी के लिए कोई बजट की अलग से व्यवस्था नहीं है। खाद की कमी होने पर अधिकारी और कंपनी दोनों पर कार्रवाई करने की बात मंत्री जी ने कही है। मंत्री रविंद्र चौबे ने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के मंच गिरने के मामले में पुलिस को क्लीन चिट दी है। नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी, इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन जो काम हो रहे हैं रोजगार गारंटी के काम हो रहे हैं तो रोजगार गारंटी का बजट है। और तीसरी बात यह है कि अध्यक्ष जी न्याय के लिए घूम रहे हैं ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी को जो सिक्योरिटी मिलना चाहिए, जो आवश्यकता है प्रशासन को, उसको देखना चाहिए। कह रहे हैं हम उसके साथ हैं। वक्त है बदलाव का। नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी में इन दिनों जिला स्तरों पर संगठन में होने वाले बदलाव को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले संगठन में अमूल चूक परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसे में वर्तमान पदाधिकारियों की बेचैनी बढ़ गई है। ये बेचैनी मुंगेली जिले में ही कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के दौरे के दौरान जो हादसा हुआ है उस मामले को लेकर जहां अनुशासनहीनता बरतने वाले कांग्रेसियों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अब संगठन में बदलाव की जानकारी लगते ही यहां के कांग्रेसियों की रातों की नींद उड़ गई है। इन्हें चिंता ये सताने लगी है कि अगर हादसे से जोड़कर संगठन में बदलाव किया गया तो कईयों पर गाज गिर सकती है। बहरहाल जिले के संगठन प्रभारी सचिन अर्जुन तिवारी का कहना है कि जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ताओं को ही पदाधिकारी बनाया जाएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी हर जिले के दौरे पर गए। मुंगेली जिले में जो आगमन हुआ काफी उत्साह था लोगों में, इसलिए तय है कि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव के पहले संगठन में आमूलचूल बदलाव होगा। दावेदारों के लिए कुछ मापदंड रखेंगे जो कांग्रेस के प्रति समर्पित हो, कांग्रेस का निष्ठा हो, जमीनी पकड़ हो और कांग्रेस के जिले वाले कार्यकर्ताओं को जानता हो, समझता हो, ऐसे व्यक्ति को जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएगा। कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में न जाने के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के फैसले को सही बताया।
उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का फैसला बिल्कुल सही है। सुनिए क्या कुछ कहना है इनका। देखिए उस मामले में तो राहुल गांधी और उनके बारे में, सोनिया जी के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। उनसे निवेदन कर सकते हैं कि कांग्रेस को एकजुट रखने के लिए राहुल गांधी परिवार का होना जरूरी था। अगर वो निर्णय जो भी लें हम लोगों के लिए सर्वमान्य होगा, जो भी लेंगे वो पूरे कांग्रेस के लोगों को सर्वमान्य होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो मेरे व्यक्तिगत विचार है, जो राहुल जी ने निर्णय लिया है वो अपने हिसाब से ठीक। सांसद डॉक्टर सरोज पांडे ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का दौरा किया है और मंडल रेल महाप्रबंधक के साथ ही रायपुर मंडल के अधिकारियों की टीम से रेलवे में चल रहे विकासात्मक कार्यों को लेकर चर्चा की। इस दौरान सांसद ने रायपुर मंडल के स्टेशनों विशेषकर दुर्ग स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली है। दुर्ग स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया का विकास करने, दैनिक यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने और अन्य विषयों पर मंडल रेल प्रबंधक के साथ चर्चा हुई। रायपुर मंडल में सांसदों की आगामी बैठक की संभावित तिथि 13 सितंबर 2019 रखी गई है। और आपको बिलासपुर से जुड़ी एक अहम खबर बता दें। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में अपनी जूनियर छात्रा का अपहरण करने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लोक छात्र को पुलिस ने नाकाबंदी करके दो साथियों सहित बाईपास से पकड़ा है। आरोपियों से एक कार जब्त की गई है। अपहृत लड़की अभी सदमे में है, उससे बयान देने के बाद आगे की कार्यवाही होगी। आरोपी द्वारा आरोपी के पास से सुरक्षित लड़की की बरामदगी कर ली गई। साथ में जो आरोपी के साथ साथ जो तीन थे और दो और सहयोगी थे, कुछ तीन लोगों ने काम किया था, उनके भी पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में पेट्रोल पंप के सामने खड़ी हाइबा को अज्ञात चोर ने गायब किया। वाहन मालिक की सूचना पर तुरंत पुलिस हरकत में आई और कुछ ही घंटों में आरोपी को पकड़ लिया गया। जिला मुख्यालय में इस प्रकार बढ़ रही चोरियों ने एक बार फिर से पुलिस गश्त की पोल खोली है और चोरों के हौसले बुलंद की वानगी यहां पर पेश की है। आरंग में युवक ने एक छात्रा की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। दरअसल ग्राम अकोली कला में शुक्रवार को युवक ने छात्रा की गला रेत कर हत्या की थी। हत्या करने के बाद आरोपी युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतका नलिना कोचले कक्षा 10वीं की छात्र है। शुक्रवार को स्कूल में छुट्टी के कारण वो घर में थी। छात्रा को घर में अकेली देखकर गांव का ही आरोपी युवक नोहर गेंद्रे पहुंचा और उससे छेड़खानी करने लगा। छात्रा ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने धारदार हथियार से उसका गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना जब आरंग पुलिस को मिली तब उसे आरोपी की तलाश आरोपी की शुरू की पुलिस ने, जिसके बाद फरार युवक ने राखी थाना क्षेत्र के एक गांव में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सरायपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत तोरे सिंगा के निकट में पांच दोस्त नहाने गए थे। इस दौरान एक युवक के निकट में नीचे नदी में गिर गया और डूबने लगा। ये देख उसका एक दोस्त भी कूदा लेकिन वो नहीं निकल पा रहा था, जिसे बचाने के लिए तीसरे दोस्त ने भी नदी में छलांग लगाई और अपने दोनों दोस्तों को बचाते हुए खुद नदी के भंवर में फंस गया और बह गया और लापता हो गया है। पुलिस फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, उसे ढूंढने की कोशिश लगातार यहां की जा रही है। राजधानी रायपुर में हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसी तरह पुरानी बस्ती के कुकरीपारा इलाके में एक नाबालिग ने युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुरानी बस्ती पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। मृतक और नाबालिग आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे। पुरानी बस्ती क्षेत्र में कल कुकरीपारा में मुन्ना चंद्राकर, जो कि उर्फ मामा मामा के नाम से जाना जाता है, जो कि 42 से 45 साल वर्षीय है, उनके द्वारा शराब पीने के बाद नाबालिग बच्चे से मारपीट कर रहा था, जिसमें नाबालिग बच्चे चाकू से उसको वार किया और उसी समय जो मुन्ना चंद्राकर उसका डेथ हो गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया है और बच्चा नाबालिग है जिसको बहुत जल्दी बाल संप्रेषण के लिए भेजा जाएगा। कोरिया जिले के किल्हारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे वसूलता था।
इसकी शिकायत पर जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने पुलिस को बताया कि वो ग्रामीणों को खुद को पुलिसकर्मी बताकर थाने में केस बताकर गिरफ्तारी से बचने के लिए पैसों की उगाही करता था। बाद में शंका होने पर ग्रामीणों ने पुलिस में इसकी शिकायत कर दी और आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। फिलहाल युवक ने दो मामलों में अपनी संलिप्तता की बात कबूल कर ली है। पुलिस द्वारा आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद और भी खुलासे होने की संभावनाएं हैं। किलहारी में रिपोर्ट दर्ज कराया है कि विजय कुमार यादव नाम का व्यक्ति पुलिस में कहकर उसे ठगी किया है। रिपोर्ट पर किलहारी पुलिस द्वारा आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपी समाचार पत्र के माध्यम से थाना किलहारी क्षेत्र के प्रकरणों की जानकारी एकत्रित करता था और उस प्रकरण से संबंधित प्रार्थी और आरोपियों के साथ मिलकर जेल भेज देने या जेल नहीं भेजने को लेकर बात कहता था और डराता धमकाता था। खबर खोरला से है, जहां पर दीपक जनरल स्टोर से अज्ञात चोरों ने नकदी सहित 1 लाख से ज्यादा की चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस की विशेष टीम मामले की जांच में जुट गई है। टीपी नगर में राजेश अग्रवाल नामक व्यक्ति दीपक जनरल स्टोर का संचालन करता है। सुबह उसके पड़ोसी ने मोबाइल से सूचना दी कि उसकी दुकान के शटर का ताला टूटा हुआ है। सूचना मिलने के बाद राजेश जब दुकान पहुंचा तब उसने देखा तो गले से 50,000 नकदी और लैपटॉप गायब था। फोन कैमरा को पड़ोसी मेरे साथ में पहुंचा लेना कि आपका शटर कैसे खुला है। देखे तो साढ़े आठ बजे की समझो मेरे को खबर फोन से खबर लगा और मैंने तुरंत आया। थाने में रिपोर्ट लगाया लेकर क्षेत्र मैंने। गरियाबंद के रोहिना गुड़ा में स्कूल में शरण लिए 5 बाढ़ पीड़ित परिवारों ने 10 दिन में क्षतिपूर्ति नहीं करने पर सिंचाई विभाग के कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने घर में जिस नहर नाली के कारण पानी घुसा है उसका निर्माण आगे तक करने और आर्थिक क्षति की भरपाई की मांग की है। मौके पर पहुंचे अधिकारी बारिश खत्म होने के बाद नहर निर्माण करने और क्षतिपूर्ति के लिए राजस्व विभाग से संपर्क करने की बात कह रहे हैं। मामले में सबसे अहम पहलू यह है कि क्षेत्र का कोई भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अब तक इन बाढ़ पीड़ितों की सुध लेने नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कमरे में रह रहे इन 22 लोगों के घर का पूरा सामान खराब हो गया है। पंचायत इनके खाने पीने की व्यवस्था कर रही है लेकिन 4 लोगों की तबीयत खराब हो गई है। अभी फिलहाल जो नहर बना है, नहर बनने के बाद ही उनके घर में परिवार में पानी घुस रहा है घर में, इसलिए उनको रहने के लिए जगह ही नहीं है। अगर वर्षा हो जाएगा तो आज कल भी वर्षा हो गई तो कहीं हम लोग कहा रहेंगे, तो पंचायत में कहीं भी रहना पड़ेगा ना, उसको घर से छोड़ना पड़ेगा। अभी भी कुछ खाना वाना नहीं बना रहे हैं, पंचायत दे रहा है। कितने दिन से खाना नहीं बना? 3 दिन हो गया। नहीं, वो शिक्षा विभाग वाले दिए थे 300 रुपया। हाँ, 300 रुपया देने के बाद नीचे 2 ठीक लेबर लेके मैं उसको बांधा था, लेकिन वो तोड़ने के बाद नीचे टोटल हमारा घर में नीचे समस्या हो गया, पूरा नीचे पानी घुस गया। विश्व आदिवासी दिवस पर दंतेवाड़ा के विवादित खनन क्षेत्र नंदराज पर्वत पर लामबंद हजारों आदिवासियों ने एकत्रित होकर आवाज उठाई है। आपको बता दें, जान दे देंगे पर 1 इंच जमीन का टुकड़ा नहीं देंगे, ये नारे यहां बुलंद किए गए। पहाड़ी और दुर्गम रास्तों से बारिश की मुश्किलों के बीच 14 किलोमीटर का सफर तय कर आदिवासी अपने इष्टदेव पिटोर मेटा की पूजा करने NDMDC तेरह खनन क्षेत्र नंदराज पहाड़ पहुंचे थे। आदिवासियों का कहना था कि खदानों से हमारे अलावा पेड़ पौधे पशु पक्षी पानी सभी प्रभावित हो रहे हैं, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। आजाद दिल के हैं, हमें कोई बंधन नहीं है। हम जंगलों में रहने वाले लोग हैं, फल फूल खा के भी आनंद से खुशी से जीने वाले लोग हैं। हमें और सरकार के नियम को हम नहीं मानते। जितना प्रकृति के साथ नोचा जा रहा है, जितना यहाँ पेड़ पौधे को काट के कैसे करके कर दिया जाए, तो माइनिंग के नाम से हमारे जल जंगल जमीन को खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि हमेशा आदिवासी जल जंगल जमीन को बचा। खबर भानुप्रतापुर से है, जहां पर क्षेत्र में सर्व आदिवासी समाज ने उत्खनन कंपनियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में यहां पर एकत्रित होकर ग्रामीण मजदूर भानुप्रतापुर SDM कार्यालय तक रैली निकाली गई, साथ ही कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की है। समाज के लोगों ने एक ज्ञापन SDM को सौंपा है। देश में बस्तर की पहचान यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से है। बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है, लेकिन वनों से घिरे बस्तर में अब जंगल दिन प्रतिदिन सिमटते ही जा रहे हैं।
वनों की अंधाधुंध कटाई से जहां बस्तर की प्राकृतिक सौंदर्यता घटती जा रही है, वहीं घटते जंगलों की वजह से विशालकाय रथ के लिए लकड़ी न मिल पाना भी चिंता का विषय बन गया है। सिमरते वनों की वजह से आदिवासी रथ कारीगरों को रथ निर्माण के लिए सबसे जरूरी लकड़ियों का आसानी से मिलना मुश्किल हो गया है। बेमेतरा जिला के बरेला जनपद के देवादा में स्वास्थ्य भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालयों की राशि हितग्राहियों को आज तक नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों ने बताया है कि गांव में अनेक हितग्राहियों को शौचालय की राशि नहीं मिली है। शौचालय निर्माण को लेकर बेरला जनपद को ODF घोषणा पूरा होने के नाते प्रथम सम्मान किया गया था, लेकिन हकीकत कुछ और है। 4 साल बाद हितग्राही शौचालय की राशि के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। हमारे गांव में पंचायत में सरपंच है जो कि 52 साल से बना रहा है, वो किसी का अधूरा है, किसी का पूर्ण हुआ है, किसी के ने स्वयं ही बनाया है उसको भी पूर्ण नहीं किया है और पैसा भी नहीं दिया है। इसी को समस्या को लेकर हम लोग साल भर से परेशान हैं। इसी नाम से 3 हफ्ता हो गया हम यहाँ आने के लिए कलेक्टर के पास आवेदन देंगे ऐसा करके, तो रोक देता था, अगले हफ्ते मैं सभी का पैसा दे दूंगा ऐसा करके रोक देता था, फिर बाद में फिर मुकर जाता था, किसी को 2-4 आदमी को थमा दिया और फिर उसके बाद में रुक गया। और अब खबर कुमारी से है, जहाँ पर ग्राम पहांदा में 2 परिवारों के घर पर पिछले 2 महीने से लगातार पत्थर बरस रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा कौन कर रहा है। इस बात को जानने का प्रयास घर वाले ही नहीं बल्कि पूरा गांव कर चुका है, लेकिन कोई शख्स नजर नहीं आता। परिजनों का कहना है कि शाम 7 बजने के बाद से यह सिलसिला शुरू हो जाता है जो मध्यरात्रि तक चलता है। इस घटना से पूरा परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। इस मामले में पीड़ितों ने ग्राम पंचायत के सरपंच से भी गुहार लगाई है, लेकिन इसे कोई दैवीय प्रकोप कहकर पूजा पाठ करवाने की नसीहत देकर टाल दिया जाता है। 2 महीने हो गए यहाँ पत्थर गिर रहा है, बाढ़ बरसते ही, और पुलिस ने भी कार्रवाई की, गांव वाला भी आए थे, उसके बाद गांव वाले के बाद गांव बैठक भी लिए, गांव भी कोई सुनवाई नहीं हो, अपना अपना बैठ बाल आकर यहाँ अपना काम करवाओ। मैंने से लगातार सपना हमारे घर में चालू है, तो हम डर में जिया थे, डूबे, पुलिस भी आई से बैगा भी बुलाहन, 2-3 बैगा बते आज है तो नहीं तो माननी है पीछे घर बैठा है। 2 महीने से जा रही है भाई, पत्थर बन बहुत गिरा थे भाई, मैं देखे है भाई, मैं कल आ रहे हूँ परसों आ रहे हूँ, 2 दिन ले तो मना कर दे कि 200-300 आदमी आते भी से भी तो लोग ने देख डाले वहाँ, वो फिर रात से मना कर दे, मतलब मत रहो जगह देखो के तो मैं आंखों देखे मैं देखे हमें है कि मैं भी है ना 2-3 दिन पहले आ रहे हैं, वो बहुत पत्थर पे टीशे अभी तक से। और खबर में बात करेंगे सूरजपुर की, जहां पर जिले में हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे में हाथी ने 1 महिला सहित 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 2 ग्रामीण घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज प्रतापपुर अस्पताल में किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों में नेत्र चिकित्सालय के क्षेत्र में विश्वसनीयता और उच्चतम तकनीक से अपना नाम सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाकर रायपुर के श्री गणेश विनायक आई अस्पताल ने हाल ही में एक और बेहतरीन कार्य किया है। राजनांदगांव निवासी तरुणा साहू, कोरबा निवासी गिरिजा कुमारी और बेमित्रा निवासी संध्या राजपूत, जो जन्म से भेंगेपन का शिकार थी, श्री गणेश विनायक आई अस्पताल ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके उनको इस समस्या से निजात दिलवाया है। प्रदेशवासियों को जन्मजात तिरछेपन से निजात पाने के लिए अब कहीं भी शहर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब किफायती दामों में ये सुविधा का लाभ आसानी से लोग उठा सकेंगे। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर चारुदत्त कलामकार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जब दोनों आंखें एक साथ मिलकर एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में अक्षम हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति को भेंगापन कहते हैं। जिन लोगों को ये समस्या होती है उनकी आंखें अलग अलग दिशा में देखती हैं और अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। यदि इस इलाज से भी तिरछापन का इलाज नहीं हो पाता है तो सर्जरी करके तिरछापन को ठीक किया जा सकता है।
मांसपेशियां होती है उसके बैलेंस गड़बड़ होने की वजह से होने वाली ये बीमारी है। ये बच्चों से लेके वयस्क में कभी भी हो सकती है। सही समय पे इलाज करने पे इसका इलाज पूर्णतः संभव होता है। आंख पूरी तरह सीधी हो सकती है। अगर इलाज में किसी भी तरह की देरी की जाए, लेट किया जाए, तो नज़र में भी कमजोरी आने का खतरा रहता है। इसीलिए इसका हमको सही समय पे डायग्नोसिस करना रहता है, सही समय पे इलाज करना रहता है। इसका इलाज ऑपरेशन के माध्यम से या चश्मे के माध्यम से किया जा सकता है। जितने जल्दी इलाज कर सके उतना अच्छा रहता है, क्योंकि इलाज में देरी करने से नज़र में कमजोरी आ सकती है। इसका खर्च